भारत और पाकिस्तान के संबंधों में इतने मनमुटाव होने के बाद भी भारत की राजधानी नई दिल्ली में 120 पाकिस्तानी हिंदू परिवार अपना गुजारा कर रहे हैं। हम खड़े हैं मजनू का टीला कश्मीरी गेट पर, जहां सारी आम ज़रूरतें पूरी होने के बाद भी रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है। ये तो बस राजधानी का छोटा सा हिस्सा है। हर साल अलग अलग देशों से लोग भारत में रेफ्यूजीज की तरह आते हैं और अपना गुजारा करते हैं। सरकार के लिए यही प्रार्थना हमारी है, या हमको सिटीजनशिप, तो एक बार तो पहली बार तो सिटीजनशिप चाहिए, नागरिकता चाहिए, यहाँ की रहने की परमिशन मिल जाए, तो सिटीजनशिप मिल जाए हमको। और अभी सरकार से तो अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है, दाना वाना तो कुछ भी नहीं मिला, आटा कुछ भी नहीं मिला। सरकार की यही सुविधा, आधार कार्ड, पिन कार्ड, राशन कार्ड, बच्चों की जो स्कूल की एडमिशन, इनके लिए कुछ हमारे लिए हेल्प करी है। और अभी तक हमारे 100 150 200 300 400 लोग के तादाद के अंदर में हमारी जो भी वीज़ा, हमारी सिटीजन वीज़ा बढ़ाते हैं, वो हमारी वीज़ा अभी तक बढ़ के नहीं आ रही है। तो हम सरकार के यही प्रार्थना कर रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं हमको सिटीजनशिप दे, हमको यहाँ के ये झुग्गी झुपड़िया हमको इतना कर दे, जो हमको टेम्परेरी हमको जो यहाँ पे मिल जाए, हमको जो सुविधा मिल जाए। तो हम अभी पहले भी 2 महीने पहले भी हमारे 26 के 26 घर परिवार हमारे सारे जल गए थे, सिर्फ आदमी बच गए और सब जल गए, पासपोर्ट वगैरह सब के सब जल गए। देख रहे हो आप, ये अपने झुग्गी है, ये घास की बनी हुई, इनमें हालत थोड़ी सी, जब परमात्मा की ऐसी दया है, हालत कुछ हम ऐसी ज़िंदगी हमारी थोड़ी नरक की तरह आ रही है, मगर जो ये मोटी तो हमने ये बड़ी नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह को हम कह रहे हैं हमको सिटीजनशिप दे दे, यहाँ की नागरिकता हमको दे दे, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर देश की कम से कम सेवा तो कर सकें हम। जहाँ यहाँ के लोगों का ये कहना है, वहीं जब हमने मानव अधिकार परिषद में बात की तब उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, आइए जानते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि जो अभी रेफ्यूजीज रह रहे हैं मजनू का टीला, पाकिस्तानी जितने भी हिंदू परिवार रह रहे हैं, तो उनको उनके हिसाब से रोजगार नहीं है उनके पास, तो आपको क्या लगता है उनके हमारी सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, उसके लिए तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये अभी ये उनकी नागरिकता का सबसे बड़ा परेशानी है, क्योंकि यहाँ एज ए रिफ्यूजी आए हैं और ये जो इंडियन लॉ है उसके अकॉर्डिंग उनके लिए मतलब गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए इसमें दिक्कतें तो है रिफ्यूजेस के साथ, मतलब हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में आप कहीं ना कहीं। तो इसके जो बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम है उनका, जो एक सिटीजनशिप का है या रिफ्यूजी के दर्जे में रोजगार का जहाँ तक है, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि वो रिफ्यूजी हुए हैं यहाँ पे, उनके लिए गवर्नमेंट है, उनके रहने खाने पीने से लेकर के जो उनकी शिक्षा का है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर सकती है। तो सर, आपको नहीं लगता कि अगर हम उनको रोजगार नहीं देंगे तो उससे हमारे देश का क्राइम रेट बढ़ेगा? देखिए, ये बिल्कुल आप अपनी जगह सही है और आपका ये बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन है, लेकिन रोजगार के लिए गवर्नमेंट का जो अपना एक लिमिटेशन है, जब तक वो इंडियन यहाँ पे सिटीजनशिप उनको नहीं मिलता है, उनको समाज की मुख्य धारा में कैसे गवर्नमेंट लेके आ सकती है, क्योंकि रोजगार के लिए कहीं ना कहीं उनकी आईडी से लेके वो सारा चीज है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन ये है कि जो इंटरनेशनल कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है उनको जो बेसिक रिक्वायरमेंट उनका है वो गवर्नमेंट फुलफिल करेगी। रोजगार वाली जो परेशानी है इसके ऊपर भी हम लोग बात करके देखते हैं कि क्या हो सकता है, लेकिन जहां तक अभी तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो जानकारी उसके हिसाब से जब तक उनका सिटीजनशिप यहाँ नहीं मिल पाता है तब तक दिक्कत है। किसी देश में घर देना आसान है पर रोजगार देना बड़ी बात है। अब भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा कि क्या 125 करोड़ की आबादी होने के बाद भी रेफ्यूजीज के मसले हल हो पाएंगे या नहीं, अब ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन यशनील गुप्ता के साथ मैं श्रद्धा गुप्ता, ASMS न्यूज़, नई दिल्ली।